नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे, मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा में उठा खाली पड़े वैधानिक पदों का मामला, विपक्ष का दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक आयोग को कमजोर करने का आरोप। सरकार ने कहा नियुक्ति प्रक्रिया जारी। राज्यपालों की भूमिका पर बुधवार को होगी चर्चा। सरकारी मदद पाने के लिए आधार नहीं अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट। कहा गैर कल्याणकारी योजनाओं के लिए हो सकता है उपयोग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकी संगठन हिजबुल के साथ संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। लोकसभा उपचुनाव में दहशत फैलाने की थी साजिश। नेपाल में बदले जा सकेंगे पुराने नोट, भारत ने दिया प्रति नागरिक 4,500 रूपये बदलने का प्रस्ताव, 25,000 रूपये तक नोट बदलने की मांग। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जे की कोशिश में टीम इंडिया, धर्मशाला टेस्ट और सीरीज जीत से महज 87 रन दूर। मैच के चौथे दिन 19 रन से आगे खेलेगी मेहमान टीम। वैधानिक आयोगों में खाली पड़े पदों को लेकर राज्यसभा में कल अवरोध हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भर्तियों में देरी करके सरकार इन संवैधानिक आयोगों को कमजोर कर रही है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया। इस वजह से भोजनावकाश से पहले कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में सोमवार को दलित, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से जुड़े आयोगों में खाली पद भरने में देरी का मामला बड़ा मुद्दा बना। कांग्रेस सांसद नरेंद्र बुडानिया ने शून्यकाल में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और सभी 5 सदस्यों के पद रिक्त हैं। इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाएगा, इस तरह से हमारी संवैधानिक संस्थाओं को एक सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार के संदेश इस देश में देना, मैं समझता हूं कि हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भरोसा दिलाया कि रिक्त पद जल्द ही भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैन समुदाय के सदस्य को प्रतिनिधित्व देकर आयोग को फिर से गठित किया जाएगा। माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर्स और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच में जैन कम्युनिटी के माननीय सदस्यों ने, उस कम्युनिटी के लोगों ने मांग की कि इस माइनॉरिटी कमीशन में जैन समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन का गठन, उसका मेंबर, उनके चेयरमैन का गठन शीघ्र होगा। सरकार के आश्वासन का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार वैधानिक आयोगों के कामकाज को लेकर गंभीर नहीं है। None of these four commissions, statutory commissions, are working. They have not been constituted. Neither minorities commission, SC, SC. No, he explained the rationale. What is the explanation, sir? Okay. इसके बाद कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सदस्य अवरोध करने लगे। इस वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में सोमवार को वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई एतराज जताए। विपक्ष ने एक सुर में वित्त विधेयक में सरकार के संशोधन और आधार को अनिवार्य बनाने के संबंध में आयकर विभाग को दिए गए अधिकारों की आलोचना की। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने वित्त विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक में किए गए सरकार के संशोधन सही नहीं है और ये ऊपरी सदन की नजर से बचने के लिए किए गए हैं। कपिल सिब्बल ने कंपनी कानून में संशोधन पर भी एतराज जताया। इस दौरान तमाम विपक्ष एकजुट नजर आया। विच पार्टी इट इज गोइंग टू, नोबडी विल नो, इवन द शेयर होल्डर्स विल नॉट नो, बिकॉज इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इफ इट्स रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द नेम ऑफ द पार्टी विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड देयर, ओनली द अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड। सो दिस इज द श्योरेस्ट वे to ensure that the political party in power gets all the funding that it needs. Today, Aadhaar is required for me to file my income tax return. Why is my PAN card illegal then? Why do I have a PAN card at all? Why should I have a PAN number?
Sir, this Aadhaar insistence is what is leading up to the creation of a surveillance state in India. क्या आपने नियम बना दिए, क्या अमेंडमेंट कर दिए? इनकम टैक्स में आप सारी पावर इनकम टैक्स के अधिकारियों को देते चले जा रहे हैं। चाहे जिसका घर रेड कर दे, चाहे जिसका घर सीज कर दे, चाहे जिसके अकाउंट सीज कर दे, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा आप दे रहे हैं। विपक्ष के कुछ सांसदों ने वित्त विधेयक के जरिए आईटी कानून में बदलाव पर भी नाराजगी जताई। But I am sorry to say that government has not taken the normal route, but has gone for a bypass surgery of the legislative system. Absolute majority है आपके पास, but absolute majority का दुरुपयोग मत करिए। इस तरह से दुरुपयोग अगर आप करेंगे, इतना दुरुपयोग करेंगे कि absolute majority को लेकर के आप इस तरह के कानून बनाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को न्याय भी नहीं दिलने देंगे। सत्ता पक्ष से जुड़े सांसदों ने सरकार का बचाव किया और कहा कि विपक्ष आम आदमी के हितों की अनदेखी कर रहा है। कैश ट्रांजैक्शन जो है, वो कैश ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है, उसको सरकार ने प्रतिबंधित करके व्यापार में, व्यवसाय में, लेन देन के अंदर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिले, उसको सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। वित्त विधेयक पर चर्चा मंगलवार को भी जारी रहेगी। इसके बाद वित्त मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राज्यसभा में राज्यपालों की भूमिका पर बुधवार को चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यपालों के आचरण पर लाए गए सब्सटैंशिव मोशन पर नियम 168 के तहत चर्चा की मांग की। उन्होंने हवाला दिया कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने तब बिहार के राज्यपाल के आचरण पर चर्चा की मांग स्वीकार की थी। उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि सब्सटैंशिव मोशन पर चर्चा के लिए दिन और समय नेता सदन से चर्चा के बाद तय होगा। उन्होंने कहा कि आधार 29 मार्च को चर्चा होगी। हाल ही में गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 13 जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। हालांकि बीजेपी ने जरूरी संख्या जुटाकर सरकार बनाई और बाद में बहुमत साबित कर दिया। आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल एंड इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द काउंसिल अलॉटेड डे और पार्ट ऑफ डे इन कंसल्टेशन in consultation maybe with the leader of the house to fix up a date and time for this. Sir, it is at your recommendation and the acceptance of the MOS parliamentary affairs that I was asked to submit a substantive motion. Now I am being asked to change the substantive motion to a short durance discussion, sir, where I can't raise issues or where illegality has been committed. Yeah. It's a denial of my rights, sir. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल जीएसटी से जुड़े सभी 4 विधेयक लोकसभा में पेश किए। विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित किया जा सकता है। जीएसटी में 40% की अधिकतम टैक्स रेट रखी गई है। वहीं कर चोरी पर गिरफ्तारी जैसे प्रावधान भी हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और कॉम्पेंसेशन जीएसटी बिलों को एक के बाद एक लोकसभा में पेश किया। संसद से मंजूरी के बाद राज्य विधानसभाओं से स्टेट जीएसटी बिल पारित कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। स्टेट जीएसटी को भी केंद्रीय जीएसटी विधेयक मॉडल के तौर पर तैयार किया गया है। इंटीग्रेटेड जीएसटी में वस्तु और सेवाओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही से जुड़े प्रावधान हैं। Madam, I seek leave, move to leave to introduce a bill to make a provision for the levy of collection of taxes on interstate supply of goods and services or both by the central government and for matters connected therein or incidental thereto. हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाया कि चारों विधेयक सोमवार की कार्यसूची में शामिल नहीं थे। विपक्ष को इस बात पर भी आपत्ति थी कि उन्हें बिल का अध्ययन करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। सरकार ने जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की समय सीमा रखी है। रविंद्र सिंह शोरण के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। लोकसभा से कल मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक 2016 को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। राज्यसभा से पहले ही इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 1987 का पुराना कानून संस्था आधारित था, लेकिन नए विधेयक में मरीज को और समाज को उसके इलाज के अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर माना जाएगा। नड्डा ने कहा कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने के लिए बाध्य होंगे और व्यक्ति को इलाज के अधिकार मिलेगा। विधेयक को 120 से ज्यादा संशोधनों के साथ पारित किया गया है। 2016 में जब हम इस बिल को, जो एक्ट बनने जा रहा है, उसको हम लेके आए हैं, तो हमारा फोकस इंस्टीट्यूशन से हट करके कम्युनिटी की तरफ गया है।
कि लोग समाज जीवन में रह करके ही अपना इलाज कराएं। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशन से हट करके अब पावर्स एम्पावर करने की बात जो है, जो ताकत देने की बात है, वह ताकत पेशेंट को मिलना चाहिए। सरकार ने कहा है कि एयरलाइनों में सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की ओर से कर्मचारी के साथ मारपीट के बाद यह बयान आया। सोमवार को लोकसभा में शिवसेना सांसद आनंदराव अडसुल रविंद्र गायकवाड़ के बर्ताव की उन्होंने निंदा की। हालांकि उन्होंने एयरलाइंस में सफर की अनुमति नहीं देने का विरोध किया और इसे खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध की वजह से सांसद महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए सदन में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उसको पाबंदी लगाना, उसके जो भी पार्लियामेंट में इश्यू रखना आपके चुनाव क्षेत्र के, उसको वंचित करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो इज अ पैसेंजर। नाउ दैट द एमपी हैज ऑनरेबल एमपी हैज रेज्ड इट, वी कांट हैव अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस। उत्तर प्रदेश में मीट कारोबारियों की बेमियादी हड़ताल जारी है। उनका आरोप है कि बूचड़ खानों पर मनमाने तरीके से कार्रवाई करने से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। वहीं सरकार ने साफ किया कि वैध बूचड़ खानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चिकन और अंडे की दुकानों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई के विरोध में मीट व्यापारी हड़ताल पर हैं। इनका आरोप है कि नगर निगम और जिला प्रशासन मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहा है। ये जो वाइस सलाटर हाउस था उसको भी बंद कर दिया। 3 लाख लोग कानपुर के जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से एक हफ्ते से पीड़ित हैं, उनके घर में भुखमरी हो रही है। अब जो है कि मुर्गा मछली तक की दुकानें बंद करवा दी गई हैं, जिनके पास लाइसेंस होते हैं जब भी बंद करवा रखी है पुलिस ने। बूचड़ खानों पर कार्रवाई और मीट व्यापारियों की हड़ताल के चलते होटलों और रेस्टोरेंट को भी मीट नहीं मिल पा रहा है। कोई तो सूरत ऐसी बने कि भाई जिससे छोटे दुकानदारों को तो मीट मिले, जो कारोबार है वो अपना चलता रहे। उससे ये है कि भाई एक दो का तो परिवार है नहीं, इसमें कितने परिवार पलते हैं इससे। जो हमारी दुकान है मटन की, चिकन की या बड़े की, बफेलो की, जिसकी भी है, उनके लिए हम कहाँ से मीट लाएंगे? दूसरी स्टेट से तो लाएंगे नहीं, मीट तो यहीं से करेंगे ना। अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई का असर इस पेशे से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर पड़ा है। इनका खुद का मानना है कि अवैध जो स्लॉटर हाउस है उनसे इनकी छवि को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन साथ ही साथ इनकी मांग ये भी है कि जिनका रोजगार छिना है सरकार को उनके लिए कोई न कोई वैकल्पिक रोजगार की भी व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि कार्रवाई केवल अवैध बूचड़ खानों पर ही है। मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि चिकन और अंडे की दुकानों को बंद करने का निर्देश नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान संयम बरतने की हिदायत दी। जो कार्रवाई है वो अवैध बूचड़ खानों के ऊपर ही है। अवैध जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और न ही कोई आदेश या निर्देश है चिकन या अंडे की दुकानों को बंद करने का। मीट कारोबारियों के एसोसिएशन का आरोप है कि लाइसेंस के लिए कई डीलरों ने आवेदन किया है, लेकिन कई सालों से इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अवैध बूचड़ खाने बंद करने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं बूचड़ खानों पर कार्रवाई का मामला लोकसभा में भी उठा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने उत्तर प्रदेश सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सिर्फ अवैध बूचड़ खानों पर ही कार्रवाई की जा रही है। व्हाट इज बीइंग डन इन उत्तर प्रदेश इज अबाउट द इलीगल स्लॉटर हाउसेस, and in that I'm sure even the honorable member wouldn't want illegal any matter of export, be it meat, be it anything else. We don't want anything happening illegally, and the chief minister himself has stated it very clear. He's talking about illegal houses being shut. Supreme Court ne kaha hai ki kalyankari yojanaon ke liye aadhar ko anivarya nahi banaya ja sakta. Halanki bank khate kholne aur aayakar return jaise kamon ke liye aadhar mangne mein koi dikkat nahi hai. मुख्य न्यायाधीश जीएस खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कल ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि आधार से जुड़े मसलों की सुनवाई के लिए 7 जजों की खंडपीठ जरूरी है, लेकिन इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि धीरे धीरे सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई आदेशों में कह चुका है कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो आधार को अनिवार्य नहीं बना रही है।
We are not making it mandatory. Nobody will be deprived of benefits only on the ground that he doesn't have Aadhaar. We are also making provision to give Aadhaar. A. B. We are also, in case there is no facility immediately, his application is itself is good enough. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए योजना की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसी योजना सामने रखे जिसमें समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वो राज्यों की राय भी ले सकती ले क्योंकि खेती राज्य का विषय है। वहीं केंद्र सरकार ने बताया कि वो आत्महत्याएं रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इनमें सीधे किसानों से खरीद, बीमा कवरेज बढ़ाना, कर्ज देना और फसलों के नुकसान पर मुआवजा शामिल है। एक एनजीओ की याचिका पर कोर्ट का यह आदेश आया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि करीब 3,000 किसानों ने आत्महत्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की एक महिला के 27 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने पूछा कि आखिर गर्भ गिराने के मामले मुंबई से ही क्यों आ रहे हैं। अदालत ने मुंबई के केईएम अस्पताल की मेडिकल टीम की रिपोर्ट में पाया कि बच्चा पैदा करने में महिला की जान को कोई खतरा नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे में कुछ शारीरिक अनियमितताएं हैं लेकिन संभव है कि बच्चा जिंदा जन्म ले। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि 27 हफ्ते के गर्भ को गिराना उचित नहीं है। रिपोर्ट पर गौर करने के बाद पीठ ने महिला को गर्भ गिराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को साथ बैठाकर फैसला करने के लिए कहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को निर्देश देते हुए चार हफ्ते में रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी प्रधानमंत्री योजनाओं और सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह बात कही। इससे पहले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। याचिका के तहत राज्य में हिंदू आबादी को अल्पसंख्यक और मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक बताया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक राज्य में 68% मुसलमान लोगों को ही अल्पसंख्यक के तहत फायदा मिल रहा है। याचिका में मांग की गई है कि राज्य के सभी हिंदुओं को भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कश्मीर में प्रदर्शनों के दौरान लोगों के जख्मी होने पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को प्रदर्शनी से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी मांगी। इसके अलावा पैलेट गन का विकल्प तलाशने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। दो महीने पुराने एक मामले में मधेपुरा सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद को पटना के मंदिरी क्षेत्र स्थित उनके आवास से कल रात गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शन और विधानसभा घेराव के दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करने पड़े। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया था। झड़प में दोनों तरफ के करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के फौरन बाद पुलिस ने पप्पू यादव समेत उनके समर्थकों पर FIR दर्ज की। गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को उनके नाम का चुनाव किया। राम गोविंद चौधरी को समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता भी बनाया गया है। 70 साल के गोविंद चौधरी 8 बार विधायक रह चुके हैं। फिलहाल वो बलिया जिले के बासडी सीट से विधायक हैं। वो SP सरकार के दौरान बाल विकास और पोषण मंत्री भी रहे हैं। चौधरी को आजम खान और शिवपाल सिंह यादव जैसे दिग्गजों पर तरजीह देते हुए जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार रात संदिग्ध आतंकवादियों ने दो पुलिसकर्मियों के घर पर गोलीबारी की। दोनों पुलिसकर्मी भाई हैं, हालांकि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने ASI दिलबर अहमद और कांस्टेबल रियाज अहमद के किगाम इलाके में स्थित घरों को निशाना बनाया। आतंकियों ने घर की खिड़कियों को तोड़ा और गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया।
पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि रविवार रात को ही अनंतनाग जिले में पीडीपी नेता फारूक अंद्राबी के घर पर हमला हुआ था। आतंकवादियों ने उनके घर पर गोलीबारी करते हुए घर में घुसने की कोशिश की थी। इस हमले में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 7 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से पकड़े गए आरोपी अगले महीने होने वाले लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर दहशत फैलाने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। शनिवार रात कुलगाम जिले में ही आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर गोलियां चलाई थी। इससे पहले इस मॉड्यूल के सरगना जुबैर को सुरक्षा बलों ने 23 मार्च को पकड़ा था। जुबैर के नेतृत्व वाले हिजबुल मॉड्यूल ने ही 19 मार्च को बिजबिहाड़ा में सुरक्षा बलों पर हमले की नाकाम कोशिश की थी। श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीट पर 9 और 12 अप्रैल को चुनाव होना है। उनका मकसद इलेक्शन को मद्देनजर सिक्योरिटी पर्सनल को टारगेट करना, उनको किल करना, और उस तरह से एक अटेम्प्ट भी उन्होंने किया हुआ है और यहाँ पे हालात को खराब करना था। केरल सरकार ने पूर्व परिवहन मंत्री ए के शशि चंद्रन पर लगे यौन दुर्व्यवहार के आरोपों की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन ने कल यह ऐलान किया। जांच करने वाले जज के नाम का ऐलान बुधवार को होगा। आरोपी मंत्री ने रविवार को इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन से मिलकर अपना पक्ष रखा। शशि चंद्रन ने कहा कि मीडिया में सामने आया महिला से बातचीत का ऑडियो फर्जी है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कल संसद भवन परिसर में नामीबिया के नेशनल असेंबली के स्पीकर प्रोफेसर पीटर एच काट्ज़ाविवी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों की अच्छे माहौल में चर्चा की गई। वहीं सुमित्रा महाजन ने इस मौके पर इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट का जिक्र किया। नामीबिया के नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है। भारत में बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट नेपाल में बदले जा सकेंगे। इस मुद्दे पर आरबीआई और नेपाल के सेंट्रल बैंक के बीच बातचीत चल रही है। रविवार को नेपाल राष्ट्र बैंक के अधिकारियों की भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। पीटीआई की खबर के मुताबिक पुराने नोट बदलने की सीमा प्रति नेपाली नागरिक 4,500 रुपए तक होगी। भारत की तरफ से की गई पेशकश के मुताबिक पुराने नोट रखने वाले लोगों को पहले बैंक या वित्त संस्थानों में खाता खोलना होगा। इसके बाद नेपाल राष्ट्र बैंक की तरफ से जमा हुई रकम का ब्यौरा वेरिफिकेशन के लिए आरबीआई के पास भेजा जाएगा। भारत सरकार ने नेपालियों को 25,000 रुपए तक भारतीय करेंसी रखने की मंजूरी दी हुई है। लिहाजा नेपाल की तरफ से इतनी ही लिमिट की नकदी बदलने की सुविधा दिए जाने की मांग की गई है। नेपाल का सेंट्रल बैंक दावा कर रहा है कि उसके बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास करीब 3.5 करोड़ रुपए के भारतीय नोट जमा है। भारतीय मूल के व्यक्ति पर हमले के मामले में ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में पुलिस पता लगाएगी कि यह नस्लीय हमला था या नहीं। पुलिस ने इस तरह के हमलों को गंभीर बताया है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करके पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। केरल के रहने वाले ली मैक्स जॉय नाम के शख्स के साथ तस्मानिया स्टेट के एक रेस्टोरेंट में मारपीट की गई। आरोपों के मुताबिक 5 युवाओं के एक समूह ने जॉय पर नस्लीय टिप्पणी भी की। हमला करने वालों में एक लड़की भी शामिल थी। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जॉय ने भारतीय विदेश मंत्रालय से दखल की अपील भी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करके हाल के विधानसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसन ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाई। नोटबंदी के फैसले के बाद 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को मोदी की लोकप्रियता पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश के सिलहट में सुरक्षा बलों ने सैन्य अभियान के दौरान आईएस के सभी 4 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक महिला भी शामिल है। आतंकी 5 मंजिला इमारत में छिपे थे। बांग्लादेश के कमांडो फोर्स ने शुक्रवार से इस इमारत की घेराबंदी कर रखी थी। 4 दिनों से जारी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए इमारत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन आतंकियों ने लोगों को निशाना बनाकर बम फेंके। 2 जोरदार बम धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अभियान अभी भी जारी है। बात क्रिकेट की।
टीम इंडिया धर्मशाला टेस्ट और सीरीज जीत से महज 87 रन दूर है। आज चौथे दिन का मैच होगा। कल मैच के तीसरे दिन ही भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई। 106 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 19 रन बना लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी सिर्फ 137 रनों पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने मेहमान टीम के सिर्फ 5 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। इसमें बी मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 45 रनों की पारी खेली। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और उमेश यादव तीन तीन विकेट लेने में सफल रहे तो भुवनेश्वर कुमार को एक विकेट मिला। इससे पहले कल भारत पहली पारी में 32 रनों की बढ़त लेने में कामयाब रहा। भारत ने 6 विकेट पर 248 रनों से आगे शुरुआत की। जडेजा के अर्धशतक और साहा के 31 रनों की बदौलत भारत ने पहली पारी में 332 रन बनाए। जडेजा ने 63 रनों की पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। 7वें विकेट के लिए दोनों के बीच 96 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। अगर भारत मैच जीतने में कामयाब रहता है तो उसका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा हो जाएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस। राज्यसभा में उठा खाली पड़े वैधानिक पदों का मामला। विपक्ष का दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक आयोग को कमजोर करने का आरोप। सरकार ने कहा नियुक्ति प्रक्रिया जारी। राज्यपालों की भूमिका पर बुधवार को होगी चर्चा। सरकारी मदद पाने के लिए आधार नहीं अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट। कहा गैर कल्याणकारी योजनाओं के लिए हो सकता है उपयोग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकी संगठन हिजबुल के 7 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। लोकसभा उपचुनाव में दहशत फैलाने की थी साजिश। नेपाल में बदले जा सकेंगे पुराने नोट। भारत ने दिया प्रति नागरिक 4,500 रूपये बदलने का प्रस्ताव। 25,000 रूपये तक नोट बदलने की मांग। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जे की कोशिश में टीम इंडिया। धर्मशाला टेस्ट और सीरीज जीत से महज 87 रन दूर। मैच के चौथे दिन 19 रन से आगे खेलेगी मेजबान टीम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।